कहता है तुम यहां सोने आए हो, तुम यहां 48 घंटों तक नौकरी बजाने आए हो, तुम मेरे चाकर हो, 24-24 घंटे काम कर, सो गए तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। उसका बाथरूम चोक हो जाता है तो प्रोफेसर सुनता नहीं। आज 99% जो सरकारी अस्पताल है, आप उनके डॉक्टर्स ड्यूटी रूम को जाके देखिए, इतनी गंदे परिस्थिति में डॉक्टर ड्यूटी रूम होते हैं, बाथरूम काम नहीं कर रहा होता है, पीने का पानी नहीं होता है, खाने के लिए खाना नहीं होता है, और जो प्रोफेसर बैठे हैं वो अपने इंटर्न से लगातार काम कराते हैं एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में 28-28 घंटे, 38-38 घंटे काम कराते हैं, बच्चे सुसाइड करते हैं। क्या कभी इन प्रोफेसर ने खड़े होकर कहा कि भैया 8 घंटे से अधिक काम नहीं करना, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। भैया आपका अधिकार है, वर्किंग आवर्स फिक्स होना चाहिए, हम सब यूनाइटेड होकर लड़ेंगे, आप क्यों 24 घंटे काम करेंगे, आप भी तो इंसान हो, आप करा लो किसी आईएएस ऑफिसर को 48 घंटे काम, पूरी फैटर्निटी खड़ी हो जाएगी कि कैसे काम करा सकते हैं। फिर आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं कि आप बड़े हैं या आईएएस ऑफिसर बड़ा है, आपने अपने आप को छोटा किया है, तो भुक्त हो, आपने अपने आप को छोटा किया है तो भुगतना पड़ेगा। नेता घर पे बुलाता है ब्लड शुगर देखना है तो पांच डिपार्टमेंट के प्रोफेसर रेंग रेंग के नेता के घर में पहुंचते हैं, चल के नहीं आते, रेंग रेंग के, सर 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 मैं देखूंगा ब्लड। वो नेता जो 9वीं क्लास भी पास नहीं है, उसके खून के सैंपल लेने के लिए सुपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स रेंग रेंग के अपने घुटनों के बल में पहुंचते हैं, तो आपकी इज्जत कहां रह जाएगी साहब, आपकी इज्जत रह कहां जाएगी? फिर आपको जब थप्पड़ पड़ेगा तो डिबेट उस पर कैसे हो सकता है? नहीं, आप सोच के देखिए उस पर डिबेट कैसे। आपने अपनी फैटर्निटी के लिए कभी खड़े होने की कोशिश की? जब आपका इंटर्न रोता है तो खड़े होने की कोशिश की? जब आपका एसआर सुसाइड करता है क्योंकि काम का बोझ उस पर ज्यादा है तो हमारे जो सीनियर्स बैठे हैं वो उनके लिए खड़े होते हैं? नहीं, हम बिजी हैं, कितने मरीज देखने हैं, हमें बहुत काम है, मगर हमें अपनी फैटर्निटी के लिए काम नहीं है, हमें नर्सिंग होम बनाना है, हमें गाड़ी खरीदनी है, मगर फेटर्निटी को हमें संभव नहीं है, देखना संभव नहीं है। हमारे लड़ाइयां सड़कों पर होती है, लड़ाइयां कहां नहीं होती है, पति पत्नी के बीच लड़ाइयां होती हैं, तो संसार में ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जहां लड़ाई नहीं होती है। सिविल सर्विसेज के बीच लड़ाई होती है मगर सड़कों में कभी नहीं आती। हम लड़ते हैं तो सड़कों पर लड़ते हैं, पूरी दुनिया हमारे कंपाउंडर्स तक जानते हैं कि इनका पटता नहीं है, दोनों एचओडी 24 घंटे लड़ते रहते हैं, और पूरे हिंदुस्तान के किसी भी सरकारी या गैर सरकारी अस्पताल में दो विभागों के बीच में जो भी हेड ऑफ द यूनिट हो उन दोनों के बीच में मित्रता हो, यह संभव नहीं हो सकता, यह संभव हो ही नहीं सकता। और ठीक है, यह मनुष्य का गुण है कि प्रतिस्पर्धा है, कॉम्पिटिशन है, आप लड़ रहे हैं आपस में, मगर जाके चुगली किसको करते हैं? आप चुगली करते हैं लड़ो, आप चुगली करते हैं नर्सिंग हेड को, तो वो आपकी इज्जत कैसे करेगा? तो आपको जब थप्पड़ पड़ेगी तो वो आपके लिए खड़ा नहीं होगा। जब आपको थप्पड़ पड़ रही होती है तो दूसरा यूनिट हेड चुपके चुपके ताली बजा रहा होगा, ठीक हुआ उसके साथ। इसलिए इस प्रोफेशन को जो ईश्वरीय कार्य है उसे समझना होगा कि आखिर गलती किससे। न्यूट्रलिटी के विषय में बात हो रही है,